सालों बाद बालिका वधु के कलाकार अब दिखने लगे ऐसे, जिनके ट्रांसफॉर्मेशन के लुक को देखकर पहचानना हुआ मुश्किल। दोस्तों, मैं पायल फिर लाई हूँ आज स्पेशल न्यूज। स्पेशल न्यूज में कुछ स्पेशल बातें हमारे एक बहुत चहेते टीवी शो की, जिसका नाम था बालिका वधु। आपको तो याद ही होगा ये टीवी शो और इसके बेहतरीन कलाकार। बालिका वधु टीवी के लोकप्रिय सीरियल में से एक रहा है। कलर्स टीवी पर पहली बाल सीरियल का प्रसारण 21 जुलाई 2008 को हुआ था। ये सीरियल 10 साल तक दिखाया गया था। सीरियल में नजर आए कलाकार आज भी बालिका वधु में निभाए गए किरदार के नाम से ही पहचाने जाते हैं। टीवी पर जो कलाकार पारंपरिक कपड़ों में नजर आए, असल जिंदगी में वह इससे बिल्कुल अलग दिखते हैं। बालिका वधु के सितारों का ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अविनाश यानी कि जगिया की। अविनाश ने जगिया के रोल को इस कदर यादगार बना दिया था कि लोग आज भी उन्हें रियल लाइफ में जगिया ही कहकर बुलाते हैं। अविनाश की उम्र उस वक्त महज 11 साल की थी। अविनाश मुखर्जी के पिता देवाशीष मुखर्जी टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि अविनाश अपने पापा के साथ शूटिंग पर जाते थे और वहीं से उनके अंदर एक्टर बनने की इच्छा ने जन्म लिया और फिर देखते ही देखते उन्हें मात्र 11 साल की उम्र में ही बालिका वधु में जग्या के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। अविनाश मुखर्जी उप जग्या अब काफी हैंडसम दिखने लगे हैं। कभी बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले 23 वर्षीय अविनाश अब हीरो का रोल कर रहे हैं। फिलहाल वे अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दे रहे हैं। अपने सपने को पूरा करने से ज्यादा खुशी किसी बात में नहीं होती, खास तौर से जब वो सपना जन्मदिन के मौके पर पूरा किया जाए। टीवी के जग्या यानी कि अविनाश मुखर्जी 2020 अपने जन्मदिन के मौके पर खरीदी दमदार मर्सिडीज कार और ये खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर ही शेयर की। युवा जग्या का किरदार अभिनेता शशांक व्यास ने निभाया था। शशांक व्यास एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। टेलीविजन एक्टर शशांक व्यास ने हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक दशक पूरा किया है और वह अपनी इस यात्रा से बेहद संतुष्ट है। वह 2010 में अपने डेब्यू शो बालिका वधु के लिए उज्जैन से मुंबई आए थे। शो में उनके निभाए किरदार जगदीश को काफी तारीफें मिली थी और यह बालिका वधु में जगदीश भैरव सिंह नाम के किरदार को निभाकर अपने अभिनव की शुरुआत की। इसके बाद रिश्ता.com नाम के एक धारावाहिक में भी उन्होंने काम किया। बालिका वधु में जग्या का किरदार उन्हें मिला 2009 में। इस किरदार को निभाने से बाद शशांक ने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्तमान में शशांक का लुक लंबे बाल और दाढ़ी के साथ है। सीरियल में उनके काम को काफी पसंद किया गया था। अभिनेत्री श्रीति झा ने शो में डॉक्टर गंगा की भूमिका निभाई थी। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत डिज्नी के ड्रामा सीरियल धूम मचाओ धूम में मालिनी शर्मा के किरदार से की थी, लेकिन इन्हें असली सफलता एनडीटीवी इमेजिन के सीरियल ज्योति में सुधा शर्मा के किरदार से मिली, जिसमें इन्होंने स्प्लिट पर्सनालिटी पेशेंट का रोल प्ले किया था। प्रीति झा ने दिल से दी हुई दुआ सौभाग्यवती भव सीरियल में भी घरेलू हिंसा की शिकार लड़की का किरदार अदा किया था। इसके अलावा रक्त संबंध सीरियल में एक अंधी लड़की की भूमिका भी निभाई थी। श्रीति असल जिंदगी में काफी स्टाइलिश है। फिलहाल वह सीरियल कुमकुम भाग्य में दो बड़ी बेटियों की मां की भूमिका निभा रही है, लेकिन उनका असली रूप उनके रियल लुक से काफी अलग है। इसे भारत के अलावा दूसरे देशों में भी काफी पसंद किया जाता है। टेलीविजन के सबसे चर्चित अभिनेताओं की लिस्ट में सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी शामिल होता है। सिद्धार्थ शुक्ला ने हाल ही में अपने 40वें जन्मदिन मनाया। इस सीरियल के बाद सिद्धार्थ लड़कियों के फेवरेट बन गए हैं। बालिका वधु में उन्होंने शिव की भूमिका निभाई थी। जैसे कि सिद्धार्थ ने अपने जन्मदिन पर ट्वीट किया था कि मैं अभी बुढ़ा नहीं हूँ, उन्हें देखकर इसमें कोई शक नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता है। ये अपनी फिट पर्सनालिटी के लिए टीवी इंडस्ट्री में काफी जाने जाते हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ को अपनी एक्टिंग के लिए कई तरह के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन वह एक चेहरा बन चुके हैं। सिद्धार्थ टेलीविजन का सबसे चर्चित शो बिग बॉस के सीजन 13 में नजर आए थे और वह उसमें जीत भी चुके हैं। वेल, सिद्धार्थ ने 40 की उम्र में काफी प्रसिद्धि बटोर रखी है।
विक्रांत मेसी ने अपने करियर की शुरुआत कलर्स के शो बालिका वधू से की थी। उन्होंने इस शो में मदन श्याम सिंह की भूमिका अदा की थी। उनका ये शो काफी हिट गया था। उसके बाद एक एनडीटीवी इमोजी के शो बाबा एसो वर्ड ढूंढो में नजर आए थे। इसमें उन्होंने छोटे कद की भारती की भूमिका अदा की थी। उसके अलावा वह डिस्टेंस चैनल के शो धूम मचाओ धूम में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वह जी टीवी के मशहूर शो कबूल है में भी नजर आ चुके हैं। विक्रांत लगातार फिल्में और वेब सीरीज कर रहे हैं। विक्रांत मैसी पिछले काफी वक्त से शीतल ठाकुर को डेट कर रहे हैं, वहीं हाल ही में दोनों सगाई भी कर चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं पायल फिर लौटूंगी खबरों का ऐसा सिलसिला लेकर जिसमें आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा तो काम ही है आपको सिर्फ एंटरटेन एंटरटेन और एंटरटेन करना। दोस्तों अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल टेलीमिर्च मसाला को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।